हेलो एवरीवन, मेरा नाम साक्षी तोमर है और आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि आप लोगों को अब MST CET के लिए प्रिपरेशन कैसे करना है, क्योंकि अब आपको पता है कि बहुत बहुत ज़्यादा कम टाइम बचा है। तो आपको एकदम स्ट्रैटेजिकली और एकदम टाइम टेबल मैनेज करके एकदम पढ़ाई करनी होगी। तो आज का मेरे कुछ टिप्स हैं जो आपने फॉलो कर ली तो आपका 100% MST CET क्लियर हो जाएगा। पहला जो टिप है जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो है कि पहली बात तो आप अपना 12th का सिलेबस प्रायोरिटी पे कंप्लीट कर लो। देखो, इट्स अ हाई टाइम है ना। नवंबर खत्म होने वाला है, दिसंबर स्टार्ट होने वाला है। अब आपका हाई टाइम है कि अपना 12th का सिलेबस सबसे पहले प्रायोरिटी बेसिस पे कंप्लीट करा जाए। ये नहीं सोचेंगे कि 11th का क्या आया था पढ़ लें, क्योंकि ये वो वाला टाइम नहीं है। क्योंकि आपको अपने क्या बोर्ड के पेपर्स भी देने हैं, आपको अपने बोर्ड के एग्जाम भी देने हैं, तो आपको अभी प्रायोरिटी पे बेसिस पे 12th का सिलेबस कंप्लीट कराना है करना है ठीक है। क्योंकि क्या है ना, क्योंकि दिसंबर तक आपको कंप्लीट कर लेना है। फिर आप सभी को पता है, जैसे ही 2024 लगेगा, आपके अंदर इतने ज़्यादा नर्वसनेस आ जाएगा, इतना ज़्यादा बर्डन आ जाएगा, इस सब्जेक्ट का भी, उस सब्जेक्ट का भी। तो जो भी आपका पोर्शन बचा है, ऐसा कोई भी चैप्टर बचा है जो अभी तक आपने नहीं पढ़ा है, तो हमारे साथ भी, हमारे यूट्यूब पे भी सीरीज चल रही है, 360 डिग्री सीरीज चल रही है, उसमें भी कंप्लीट कर सकते हैं। और प्लस अगर आपको खुद से पढ़ना है तो आप सभी लोग खुद से, लेकिन 12th का सिलेबस आप सभी लोग प्रायोरिटी बेसिस पे कंप्लीट करेंगे ठीक है। 11th का नहीं देखेंगे, आपकी MST CET में 11th का भी आता था वो भी कर ले, नहीं, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में तो स्कोर करना है। घर वाले बहुत डांटेंगे अगर बोर्ड के एग्जाम में नहीं स्कोर करा, क्योंकि अभी भी उनके लिए इंपॉर्टेंस वही है ना। तो प्रायोरिटी बेसिस पे 12th का सिलेबस को कंप्लीट करना है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अभी तक किसी को सिलेबस ही नहीं पता। हाँ, अभी तक क्लियरली किसी को सिलेबस ही नहीं पता कि आपके MST CET का सिलेबस क्या है। पहली बात तो मैंने आपको बता दिया कि 70% सिलेबस आपका 12th क्लास का है। तो अगर आपने वहां पे 12th क्लास का अच्छे से पढ़ लिया, पूरी बुक अच्छे से पढ़ ली, अच्छे से सैंपल पेपर कर लिया, आपका वही 70% काम तो आपका वही खत्म हो गया है ना। मतलब 60 से 70% काम आपका 12th का अच्छे से सिलेबस करके हो जाएगा, समझ लो। और जिस जिसको भी सिलेबस नहीं पता, वो एक बार जल्दी से देख ले, शॉर्ट क्विक एकदम देख ले ठीक है। देख लो, मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सब 10 10 10 मार्क्स की आ रही है ना। सब 10 10 मार्क्स की आ रही है क्लास 11th में से। तो क्लास 11th का तो इतना दिक्कत वाला बात ही नहीं है, सिर्फ 20% हुआ। और क्लास 12th का 80 मार्क्स का आ रहा है, 40 40 40, 40 मैथ्स में से, 40 फिजिक्स या केमिस्ट्री में से, और किसमें से आगे, बायोलॉजी में से ठीक है। ये आपका सिलेबस है, आप देख लो क्लास 11th का ये सारा सिलेबस है। और मोटी मोटी लाइन में लिखा है कि क्लास 12th का सारा सिलेबस आ रहा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स का। लेकिन लेकिन क्लास 11th का ये जो टेबल है वो आ रहा है, मैं बायोलॉजी पढ़ाती हूँ, मैं आपको वो बता देती हूँ, जैसे कि बायोमोलिक्यूल्स हो गया, रेस्पिरेशन एंड एनर्जी ट्रांसफर, ह्यूमन न्यूट्रिशन, एक्सक्रिएशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। अच्छा, यहाँ पे एक बात देख लो कि ह्यूमन न्यूट्रिशन वाला जो चैप्टर था वो पहले अभी भी रिसेंटली NCERT में से डिलीट हो गया है, लेकिन आपको करके जाना है। NCERT में से ह्यूमन न्यूट्रिशन का पार्ट डिलीट हो गया है, लेकिन MST CET वालों ने अब तक डिलीट नहीं करा, इसलिए आपको ह्यूमन न्यूट्रिशन का पार्ट पढ़कर जाना है। इसमें से देखो, आपको ना वो चैप्टर निकाल लेने हैं जो आपको अच्छे से आते हैं, और जो आपको नहीं आते उनको एक बार कर लो, उनको एक बार कर लो। यानी कह रही कि उनको बहुत अच्छे से कर लो, बहुत अच्छे से तो वो करना है जो आपको आते हैं यार, उसमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप छूटे नहीं। लेकिन जो भी आपने एक बार भी नहीं पढ़ा है उनको भी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को अपना सिलेबस पता होना चाहिए। क्लास 11th का कितना सिलेबस है, ये है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का एंड बायोलॉजी का। ये पूरा PDF भी आपको मिल जाएगा। इसके बाद थर्ड जो चीज है, अभी से इस टाइम से आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है भाई, डिस्ट्रैक्शन से बहुत ज़्यादा दूर रहना है। एकदम दो हाथ की दूरी बना लो, किससे, डिस्ट्रैक्शन से। क्योंकि क्या होने वाला है ना, अभी बिल्कुल भी आपके पास टाइम नहीं है डिस्ट्रैक्ट होने का, इधर लड़का लड़के में घूमने का, लड़कियों में घूमने का, दोस्त बनाने का, इतना फालतू टाइम आप लोगों के पास बचा ही नहीं है। 12 12 घंटे की नींद नहीं लेनी, अब ठंड आ गई सुबह रजाई में से उठ रहे हैं 12 1 बजे तक, नहीं, ये सारी डिस्ट्रैक्शन ही तो है। सिर्फ फ़ोन ही डिस्ट्रैक्शन थोड़ी है, इसके अलावा और भी बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन है। अभी आपको फोकस्ड होके पढ़ना है, क्या अभी आपको एकदम फोकस्ड होके पढ़ाई करनी है, क्योंकि बस अपना टाइम टेबल लगाओ और अभी तो अपना 12th का सिलेबस कोशिश करो कि दिसंबर तक कंप्लीट कर लें। दिसंबर तक अच्छे से जो भी चैप्टर रह गया है उसको कर लें, जो नहीं रहा है अपने रिवीजन कर लें, नोट्स प्रॉपर तरीके से कर लें, क्योंकि जनवरी से तो फिर एकदम खटाखट रिवीजन चालू करना है
ठीक है, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है, मोबाइल में किसी की इंस्टा है, व्हाट्सएप है, तो सब कुछ हटा दो। अगर नहीं हटा सकते व्हाट्सएप, ऐसी चीज़ें नहीं हटा सकते भाई, इन्फॉर्मेशन आती है तो उसमें टाइमर लगा दो कि भाई मैं 1 घंटे से ज़्यादा दिन में नहीं चलाऊंगा या आधे घंटे से ज़्यादा नहीं चलाऊंगा, उसमें टाइमर फिट हो जाता है। जैसे आप उससे ज़्यादा चलाओगे तो आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा। तो आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। तीसरी बात, आपको वीकली मॉक टेस्ट देने हैं। वीकली किसका मॉक टेस्ट देना है? MHT CET का। मतलब अगर आप संडे का दिन निकाल सकते हो कि बस आपको कुछ नहीं पढ़ना 11th का भी, बस आप वीकली मॉक टेस्ट दे लो, उसी से ही रिवीजन हो जाएगा। बहुत सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, आपको वो देने हैं। ठीक है, 1 वीक में अभी एक मॉक टेस्ट लगा सकते हो टिल दिसंबर तक। टिल दिसंबर तक आपको हर वीक एक MHT CET का मॉक टेस्ट लगाना है, उससे आपको रिवीजन होता है। जितना जल्दी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से रिवीजन होता है, उतना जल्दी किसी भी चीज़ से रिवीजन नहीं होता है। नेक्स्ट बात कि आपको अपने वीक पॉइंट्स देखने हैं। अभी ना ये टाइम उसका है कि अपने वीक पॉइंट्स को पकड़ो और उन पे काम करो, क्योंकि देखो जो आपको अच्छे से आते हैं वो तो आप नंबर ले ही आओगे, दोबारा रिवीजन करके सब कुछ पढ़ लोगे, लेकिन अभी तक आपको अपने वीक पॉइंट्स नहीं पता। अगर आपको पता है आपको थर्मोडायनामिक्स नहीं आता, क्योंकि 11th का चैप्टर आ रहा है, तो आपको थर्मोडायनामिक्स क्या लिख लेना, अपना पता होना चाहिए कि मेरा ये वाला वीक पॉइंट है और ये वाला चैप्टर में इनको फिर से करना है। नो योर वीक पॉइंट आपको पता होना चाहिए। बायोलॉजी में आपको बायो मॉलिक्यूल्स बहुत बच्चों का वीक होता है, ये नहीं आता वो नहीं आता, तो अपने वीक पॉइंट्स को लिख लो, है ना। पता होना चाहिए कि हमें क्या आ रहा है क्या नहीं आता। जो नेक्स्ट चीज़ है वो है स्टिक टू द टाइम टेबल। और जो भी आपने अपना खुद का टाइम टेबल बनाया है कि ये वाला चैप्टर मैं अब तक कंप्लीट करूंगा, ये मेरा वीक है तो तब तक कंप्लीट करूंगा, उसी टाइम टेबल पे स्टिक करते रहना। ऐसा नहीं है कि कोई तीसरा आदमी बताएगा नहीं तुम्हारा टाइम टेबल खराब है, नहीं, अपना खुद का प्रायोरिटाइज करके अपना खुद का टाइम टेबल बनाना है और उसी पर ही स्टिक रहना है। समझ रहा हूँ, अभी बहुत हाई टाइम है। अगर आपने ये चीज़ें फॉलो कर लिया है, गारंटीड कि आपको MHT CET से कोई नहीं रोक सकता। आप सभी को पता है बोर्ड के एग्जाम के बाद हार्डली 15 या 20 डेज का टाइम मिलेगा MHT CET के लिए, तो थोड़ा थोड़ा उसका भी करना है, लेकिन अभी प्रायोरिटी बेसिस पे 12th का भी कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो सभी लोग लाइक कर देना। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।